गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज से 10-15 साल पहले की बात हम करें तो उस टाइम पे सबके पास मोबाइल फोन रहते थे, मोबाइल फोन सब लोग चलाते थे। कौन सी स्पीड पे, कौन सा नेटवर्क आता था उस टाइम पे? 2G 3G, राइट? 2G 3G नेटवर्क पे हम सब ने मोबाइल चलाए। आपने वीडियो देखे, कैसे वीडियो कैसे फेस किया है आपने, पूरा बफरिंग 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 होता था कि नहीं होता था? होता था ना। तो अभी के टाइम पे आप मुझे व्यूअर्स आप लाइव देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, क्या रीजन है? क्योंकि अभी 4G 5G उसमें अपग्रेड हो गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका इम्पोर्टेंट यही है। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ पूजा चौहान, आई एम फ्रॉम एक्यूमेन गेट अकेडमी। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ग्रेट अनाउंसमेंट जो कि है स्पेसिफिकली ईसी के स्टूडेंट के लिए। ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ पे ईसी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 3rd June, राइट? 3rd June यानी कि नेक्स्ट वीक में ही है। तो जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे वो है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज से 10-15 साल पहले की बात हम करें तो उस टाइम पे सबके पास मोबाइल फोन रहते थे, मोबाइल फोन सब लोग चलाते थे। कौन सी स्पीड पे, कौन सा नेटवर्क आता था उस टाइम पे? 2G 3G, राइट? 2G 3G नेटवर्क पे हम सब ने मोबाइल चलाए। आपने वीडियो देखे, कैसे वीडियो कैसे फेस किया है आपने, पूरा बफरिंग 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 होता था कि नहीं होता था? होता था ना। तो अभी के टाइम पे आप मुझे व्यूअर्स आप लाइव देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, क्या रीजन है? क्योंकि अभी 4G 5G उसमें अपग्रेड हो गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका इम्पोर्टेंट यही है। और ये सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, जो फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं उनकी बात करूँ तो वो खुद है मृणाल साह सर, जिसे आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। मृणाल साह सर इंडिया के टॉप 10 में से फैकल्टी है, उनके अंडर से ईसी ब्रांच में स्टूडेंट PSUs यानी कि गवर्नमेंट जो कंपनीज है उसमें भी ज्वाइन हो चुके हैं। लाइक हमारे यहाँ पे पृथ्वीराज करके एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है इसरो के अंदर, अपूर्वी है, अपूर्वी का सिलेक्शन हुआ है बार्क के अंदर। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो PSUs क्रैक कर चुके हैं, IISc तक पहुंच चुके हैं मास्टर स्टडी के लिए। IISc, IIT, NIT ये लेवल की कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला है फॉर द मास्टर स्टडी, एज वेल एज उनका काफ़ी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लगा है, लाइक कि क्वालकम, इंटेल, सैमसंग, तो ये सारी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट लग चुका है काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ। सो आपको भी अगर स्टार्ट करना है प्रिपरेशन तो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, एज वेल एज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। गूगल फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल फिल करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। 3rd June से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, प्लीज सेव दिस डेट 3rd June, तो आप बिफोर 2nd June एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, आगे की माहिती, आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है आप कलेक्ट कर सकते हो। आपके ही फ्रेंड्स, आपके काफ़ी सारे क्लासमेट्स हैं ऑलरेडी विजिट करके गए हैं, उन्होंने एडमिशन के लिए भी प्रोसेस कर दिया है। तो अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2nd year परफेक्ट आइडियल टाइम है गेट के लिए। सो 2nd year के स्टूडेंट अवेयर हो जाए, बैच स्टार्ट हो रहा है आपके ही 3rd year में, 4th या 5th semester में कॉलेज में ये सब्जेक्ट आने वाला है कम्युनिकेशन सिस्टम, या तो इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी, राइट? तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे तो सेमेस्टर रिजल्ट भी आप अच्छे से अच्छा ला पाओगे। और मृणाल सर के अंडर में आप पढ़ने वाले हो पूरा सब्जेक्ट, जो है हमारे यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी,
आपको कहीं पे भी डाउट होता है एनी टाइम आप उनकी हेल्प सपोर्ट ले पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर एक्यूमेंट गेट अकेडमी चैनल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। कहते थे लोग जो शाबाशिया।